गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.4। हमारे पास 2.4 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, अमीना थिंक ऑफ अ नंबर एंड सब्सट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम द सेम नंबर सी थाउट ऑफ। वट इज़ द नंबर? तो हमें पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन में लिखा है कि जो अमीना है उसने एक नंबर सोचा, उस नंबर को 5/2 से सब्सट्रैक्ट कर दिया और जो आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 से और वो 3 टाइम था उस नंबर के। तो हमने आज पहले ही क्वेश्चन राइट कर लिए हैं, तो हम लिखेंगे अब क्वेश्चन में। हम लिखेंगे लेट द नंबर थॉट बाय अमीना। जो अमीना थी उसने एक नंबर माना x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन के हिसाब से लिखा, उसने 8 टाइम मल्टीप्लाई किया था x माइनस 5/2 को और वो 3 टाइम था उस नंबर के, तो बराबर कर लिया तो 8x आ गया। 8 मल्टीप्लाई 5/2 3x, 8x 40/2 आया, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 0 वैसे ही 3x। ये 3x इस साइड को आया, माइनस का हो गया, 8 में से 3 गए, 5 बचा 20, 5 4 आ गया 20। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो इसका आ गया 4। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है वो 5 टाइम अनदर नंबर है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। व्हाट आर द नंबर्स? तो एक हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है, वो 5 गुना है किसी अनदर नंबर के। अगर हम उसमें 21 ऐड कर देते हैं पहले नंबर और दूसरे नंबर में, तो कोई दो नए नंबर बन जाएंगे और उन नंबर के जो ट्वाइस है आपस में वो न्यू नंबर। तो अब हमने राइट करना है लेट द फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इक्वल्स टू एक्स, अनदर पॉजिटिव नंबर इक्वल्स टू 5x। और न्यू नंबर में फर्स्ट न्यू नंबर आ गया एक्स प्लस 21, दूसरा जो नंबर आ गया 5x प्लस 21। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट किया, ये दोनों बराबर कर दिए। हमने 2 टाइम्स किया जो हमारे पास अनदर नंबर था, अनदर नंबर से 2 टाइम्स, अनदर से जब 2 टाइम किया तो 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 21 हो गया। जैसे 21 हुआ तो आ गया 2x 42 और इधर साइड 2x गया तो इस साइड को आ गया 42 माइनस 21। इसके बाद मैंने साइड राइट किया 3x इक्वल्स टू 21, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आई 7। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ ऐसा ही रहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में राइट किया है सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अगर कोई दो सम हो रहा है किसी की नहीं, दो डिजिट नंबर का, तो 9 आएगा। वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। हम इंटरचेंज कर दिया नंबर को तो जो रिजल्टिंग न्यू नंबर रहेगा वो ग्रेटर देन रहेगा ओरिजिनल नंबर से 27। व्हाट इज द टू नंबर? तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, कोई भी दो डिजिट का नंबर लेना है तो हमने राइट किया है सम ऑफ टू डिजिट नंबर। तो क्वेश्चन में जो लिखा था सम ऑफ टू डिजिट नंबर ले लिया, सॉरी डिजिट नंबर क्या लिया 9। लेट द यूनिट प्लेस डिजिट लिया x और जो डिजिट ऑफ 10th प्लेस था उसे 9 माइनस कर दिया, इससे 9 को माइनस कर दिया हमने, तो हमारे पास आता है नंबर। तो 10 मल्टीप्लाई डिजिट ऑफ टू प्लेसेस, दो डिजिट वाला, जैसे हमारे पास 10 हो गया 20 हो गया वैसे वाला डिजिट एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस 1 से लेके 9 तक, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस एक्स तो 90 आया, माइनस एक्स लिख राइट कर लिया तो हमारे पास आ गया 9x। जब इससे इसको सब्सट्रैक्ट किया 9 बड़ी टर्म का साइन, हमने अब इंटरचेंज कर दिया है नंबर को, लिखा द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग
तो आ गया 10x 9 माइनस x। तो अब उल्टा करके लिखा है, जो पहला था 10x वो 10 डिजिट वाला था, तो उसको क्या किया, इस साइड को लेके आए पर दूसरी साइड लेके आए। तो हमने जब किया तो 10x = 9x आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बराबर कर दिए हमने दोनों नंबर्स। तो हमने जैसे ही बराबर किया तो 90 - 2x + 27 हो गया। उसमें लिखा था क्वेश्चन में, इट फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 7। तो ग्रेटर देन हो गया, 27 ऐड कर दिया हमने, 27 ऐड किया तो ब्रैकेट ओपन की, 90 से हमने इस साइड को 9 लेके आया 27, तो इसको सॉल्व करने के बाद 108 आता है, इसको सॉल्व करने के बाद 18। तो ये था हमारे पास 9 + 9 18, तो 18 से काटा 2 आ गया। अब जो न्यू नंबर था 90 - 9x लिखा, 9 6 की वैल्यू डाली, 36 आ गया हमारे पास जो नंबर था। अब इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ सेम ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में रहता है हमारे पास, वन ऑफ द टू डिजिट नंबर ऑफ सॉरी वन ऑफ द टू डिजिट नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर इज 3 times द अदर डिजिट। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट ऑफ दिस नंबर सॉरी दिस टू डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू ओरिजिनल नंबर बाय यू गेट 88। तो हमारे पास क्वेश्चन ऊपर वाले के जैसा ही है, हमें दो डिजिट के नंबर लेने हैं और वो 3 times है अदर डिजिट से। हम पहले मान लेंगे इस क्वेश्चन में, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम पहले मानेंगे लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स टेंथ डिजिट 3x। अब वही दोबारा लिखा, 10 डिजिट एट 10 प्लेस प्लस डिजिट एट यूनिट प्लेस, तो 10 × 3x + x 30 + 31 आ गया। इंटरचेंज किया नंबर तो उल्टा कर दिया, जो 10x 10 को x के साथ मल्टीप्लाई 3x इधर, तो 10x 3x आ गया, 13 आ गया। बराबर किया वो 88 के बराबर आता है, तो 44 2 आंसर आ गया। जो 10th प्लेस था वो 62 आ गया, जो हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 62। क्वेश्चन सेम था एज इट इज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ए इसका क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 रहता है, सोबूज मदर प्रेजेंट एज इज 6 times, सोबूज प्रेजेंट एज एंड सोबूज 5 सोबू मदर प्रेजेंट एज इज 6 times, सोबूज प्रेजेंट एज सोबूज एज 5 years फ्र�म नाउ will be 1/3 of his mother present age, what present age, तो सुबू की जो मदर है उसकी जो एज है वो 6 times है सुबू की प्रेजेंट एज से, 5 साल के जो बात नौ उसकी जो मदर एज है 1/3 हो जाती है उसकी मदर की एज से। तो हमें राइट करना है अब इस क्वेश्चन में, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुबू लिख दिया, सुबूज मदर एज 6x आफ्टर 5 years, द एज ऑफ सुबू सुबू को जो एज आ जाएगी वो x प्लस 5 आएगी, 5 साल बढ़ाए हमने, तो जो मदर की एज है उसमें 5 साल बढ़ाएंगे। तो उसने बोला कि जो सुबू की एज है अगर 5 साल के बाद 1/3 हो जाती है, तो हमने सुबू की एज लिखी और उसकी आधा कर दिया उसकी मदर की एज का, तो आ गया x प्लस 5, तो 2x कट गया ही, 3 1 3 3 2 6। तो ये जब x इस साइड आएगा तो 2x 5 आ गई, प्रेजेंट एज ऑफ 5x है और प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितनी आई, 30 उसकी जो मदर थी उसकी एज है। हमारे जो 5 क्वेश्चन है इसी के साथ खत्म हो गए। हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।